अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दौरे फितन के हवाले से जितनी पेशन गोइयाँ हैं उनमें हमें याजूज माजूज का जिक्र मिलता है। बहुत से उलमाए कराम, मुफस्सर हजरात, तजज़िया निगार और बड़े बड़े आलम जो हैं वो यकीन रखते हैं याजूज माजूज निकल चुके हैं। उनके नज़दीक याजूज माजूज कौन हैं और वो कैसे निकल चुके हैं और वो क्या कर रहे हैं, इस पे पूरी वीडियो के अंदर बहस होगी। इसके अलावा कुछ तबका ऐसा है उलमा का जो कहते हैं कि नहीं, अभी उन्होंने आना है, कहाँ से आएंगे, कैसे होंगे, क्या करेंगे, इस पूरे हवाले से इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएगी। याजूज माजूज इंसान होंगे या कोई और मखलूक होगी, इस हवाले से भी पूरी बात होगी। मुकम्मल तफसीलात के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। शुरू करते हैं कुरान पाक से। सूरत अल-कहफ के अंदर अल्लाह ताला हमें एक तारीख बताते हैं, एक बादशाह का जिक्र आता है जिसका नाम ज़ुल्करनैन था। उसके बारे में फरमाते हैं कि ज़ुल्करनैन एक बादशाह था जो अल्लाह ताला का नेक बंदा था। वो पहले मशरक की तरफ गया, उसने वहाँ सारा इलाका फतह किया। वो मगरिब की तरफ गया, उसने सारा इलाका फतह किया। जब वो शमाल की तरफ गया तो वहाँ पर उसने दो पहाड़ों के दरमियान जब पहुंचा कि आसपास पहाड़ थे, एक साइड भी पूरे पहाड़ चलते जा रहे हैं, दूसरी साइड पे भी पहाड़ों की पूरा सिलसिला चलता जा रहा है, गुजरने का रास्ता नहीं, दरमियान में एक जगह है जहां से उन पहाड़ों के पार जाया जा सकता है। तो जब वहां पे पहुंचे तो वहां पे उन पहाड़ों के पास एक कौम आबाद थी जिनकी जुबान हज़रत ज़ुल्करनैन समझ नहीं सकते थे। तो उनके पास गए तो उन्होंने हज़रत ज़ुल्करनैन को कहा कि ऐ ज़ुल्करनैन के यहाँ पे कौम आती है जिसको याजूज माजूज हम कहते हैं, वो यहाँ पे आके इतना फसाद डालते हैं, बहुत फसादी कौम है, हर चीज़ तहस नहस कर देती है, आप हमारे और उनके दरमियान कोई बचाव की तरतीब बनाएं। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनको क्या कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से कोशिश करता हूँ, तुम मुझे मदद दो। तो उन्होंने क्या किया कि सोना अपना तांबा और लोहा पिघला के जो दरमियान में जगह थी पहाड़ी सिलसिलों के दर्रा था, वहां पे उन्होंने एक दीवार बना दी ऊंची सी ताकि याजूज माजूज की कौम उन पहाड़ों से इस तरफ ना आ सके। और फिर जब वो दीवार बन गई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर उस कौम को मुखातब होकर कहा कि मैंने दीवार तो बना दी है, अब इसमें को चढ़ने की ताकत रखते हैं ना इसमें वो कोई सुराख कर सकते हैं, लेकिन ये लाजवाल नहीं है, ये मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे ज़मीन बोस कर देगा, यानी दीवार गिर जाएगी। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और बरहक है, और उस दिन क्या होगा, याजूज माजूज खुले छोड़ दिए जाएंगे। अब कुरान पाक के अंदर जी जिक्र आता है ज़ुल्करनैन का कि उन्होंने याजूज माजूज को रोकने के लिए दीवार बनाई। अहादीस के अंदर, तमाम अहादीस के अंदर हमें ये मिलता है कि हजूर पाक ने बारहा बहुत सी अहादीस में इरशाद फरमाया कि वो दीवार अब भी मौजूद है और याजूज माजूज उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक हदीस में ये भी आया है कि वो रोज़ाना तोड़ते हैं, लेकिन दीवार जब थोड़ी सी रह जाती है तोड़ते तो कहते हैं शाम हो जाती है, रात हो जाती है, वो कहते हैं बाकी काम कल करेंगे। जब सुबह आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार पहले की तरह हो चुकी होती है, लेकिन जब अल्लाह ताला का अमर आएगा वो दीवार गिर जाएगी और याजूज माजूज वहाँ से निकल पड़ेंगे। अब जो उलमा इकराम, मुफस्सर हज़रात, जिसमें हमारे लामा इकबाल साहब हैं, शायरे मशरक लामा इकबाल साहब हैं, वहीदुद्दीन खान साहब हैं, डॉक्टर इसरार अहमद साहब हैं, और ये मकबूल जान साहब हैं, अबुल आला मौदूदी साहब हैं, और एक लंबी फहरिस्त है ऐसे उलमा और मुफस्सर हज़रात की जो ये यकीन रखते हैं कि याजूज माजूज निकल चुके हैं। उनका यकीन क्या है, उसके लिए वो एक हवाला देते हैं सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 95 और 96 का। आयत में क्या है, आयत का तर्जमा क्या है, हमने उस बस्ती को हलाक और उनके रहने वालों को वहाँ लौट कर वापस आना हराम करार दे दिया। अब ये उस वक्त वापस आएंगे जब हम याजूज और माजूज को खोल देंगे और वो हर बुलंदी से हमला आवर होंगे। अब ये कहते हैं कि याजूज माजूज ऐसी कौन सी कौम थी जिसको उनके इलाकों से निकाल दिया गया और उनको वहाँ पे आना हराम करार दे दिया गया। वो इलाका, वो बस्ती है यरूशलम, जिसको हम बैतुल मुकद्दस कहते हैं, कि यहूदियों को वहाँ से निकाल दिया गया था और हज़ारों साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेके अब तक ये दर बदर फिरते रहे हैं।
ये ईसाई इनके मुसलमानों से ज्यादा जानी दुश्मन थे। और क्या था कि जिस इलाके में भी ये जाते थे रहते थे वहां से इनको निकाल दिया जाता, इंतहाई इनको मार पड़ती रही है। कभी कोई बादशाह आके इनकी नस्ल कशी शुरू कर, कभी ये दुनिया के एक इलाके में जाते कभी दूसरे इलाके में जाते, ये उस वक्त से दर बदर फिरते रहे यहूदी। लेकिन 1920 के अंदर आके जब इसराइल के कयाम का जो अमल है वो शुरू हुआ, तब यहूदी इकट्ठे होना शुरू हुए। और ये हजारों साल बाद पहला मौका है कि यहूदी जहां से निकाले गए थे बैतुल मुकद्दस यरूशलम, वहां पे उन्होंने अपना मुल्क बना लिया और वहां पे उसको अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। तो इन हजरात, इन उलमा और मुफस्सर हजरात का मानना ये है कि सूरत अल अंबिया के अंदर भी हमें इस बात का इशारा मिलता है कि याजूज माजूज यही है। अब कैसे, अच्छा लामा इकबाल ने इस चीज को कैसे बयान किया है? लामा इकबाल ने एक शेर के अंदर इस चीज की तरफ इशारा किया है। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून। ये कुरान पाक की जो सूरत अल-अंबिया के अंदर आया था उसके अंदर यंसिलून आता है, तो उन्होंने इसकी तरफ इशारा किया। ये कहते हैं कि याजूज माजूज, अच्छा यहाँ पे हम अहदीस देते हैं और जो ये उलमा का ये तबका ये कहता है कि हाँ ये निकल चुके हैं, ये कौन लोग हैं, इनके बारे में वो इस अहदीस को सामने रखते हैं जो मुस्तनद हदीस है। एक हदीस की किताब में नहीं है, मुस्लिम में है, तिर्मिजी में है, यानी सही हदीस है, मुस्तनद हदीस है। इसके अंदर क्या हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दज्जाल को लुद के मकाम पे कत्ल कर देंगे, फिर हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के पास वो कौम आएगी जिसे अल्लाह ने दज्जाल से महफूज रखा, वो यानी इंसान जो थे जिनको दज्जाल से बचे रहे, जो दज्जाल के फितने से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको मिलेंगे और उनको खुशखबरियां सुनाएंगे। फिर इसी दौरान अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाएंगे और कहेंगे कि मैंने अपने ऐसे बंदों को निकाला है कि किसी को इनके साथ लड़ने की ताकत नहीं है, बस आप मेरे बंदों को हिफाजत के लिए कोहे तूर पर ले जाएं। और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अब जितने मुसलमान होंगे सबको लेके कोहे तूर पर चले जाएंगे और अल्लाह ताला याजूज माजूज को भेजेगा। और जब वो हर ऊंचाई से निकल उतर पड़ेंगे, हर ऊंचाई से उतर के दुनिया के अंदर फैल जाएंगे, इनकी अगली जमातें जो बहिरा तिब्रिया जिसको कहते हैं उसके ऊपर से गुजरेगी, उसका सारा पानी पी जाएंगे। और जब इनका आखिरी जमात जो आखिरी हिस्सा होगा इनके लश्कर का, जब वो वहाँ से गुजरेंगे तो कहेंगे कि यार यहाँ पे लगता है किसी वक्त पानी मौजूद होता था। अल्लाह के नबी और हज़रत ईसा और मुसलमान एक किले के अंदर महफूज हो जाएंगे कोई तूर पर, या और वहाँ पे उनको खाने पीने की तंगी बनेगी। यहाँ पे हज़रत सल्लम ने फरमाया कि किसी के लिए अगर एक बैल का सर भी मौजूद होगा तो वो 100 दिनार से वो बेहतर महसूस होगा। याजूज माजूज पूरी दुनिया में फैल जाएंगे, पानी पी जाएंगे, जुल्म शिद्दत की इंतहा कर देंगे और कोई चीज़ उनसे बच नहीं सकेगी। दुनिया की सारी फसलें, अनाज, गल्ला, ये वो हर चीज़ खा पी जाएंगे, यहाँ तक कि जो इंसान उनको मिलेगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी खा पी जाएंगे। ये ऐसी वहशत, वहशियाना और जालिम कौम होगी। और इसके बाद जब ज़मीन में फैल के ज़मीन को, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा तादाद होगी इनकी, फिर जब ज़मीन में फैल जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, आसमान की तरफ तीरों का रुख करेंगे और आसमान की तरफ तीर बरसाएंगे कि हमने दुनिया ज़मीन वालों को तो ख़त्म कर दिया, अब आसमान वालों की तरफ चलते हैं। तो वो अल्लाह ताला क्या करेगा, उनके तीरों को खून में डुबो के वापस भेज देगा और वो कहेंगे लो जी हमने आसमान वालों पर भी कब्ज़ा जमा लिया, हमने आसमान वालों को भी ख़त्म कर दिया। इनसे तंग आके मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करेंगे कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें इस फितने से बचाए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो जो याजूज माजूज की कौम है उनकी गर्दन में एक आता है कि एक फोड़ा निकल आएगा, एक रवायत में उड़े, एक रवायत में कीड़े पड़ जाएंगे, एक कीड़ा पैदा हो जाएगा जिसकी वजह से सब के सब मर जाएंगे और पूरी ज़मीन में एक बालिश जगह भी ऐसी नहीं होगी जहाँ पर उनकी लाशें ना पड़ी हों। फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला एक परिंद, कुछ परिंदों को भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊँट की तरह होंगी और उन लाशों को उठा के कहीं किसी ऐसी जगह फेंक आएंगे जहां अल्लाह ताला उनको हुक्म देगा। उसके बाद बारिश होगी बहुत ज़्यादा और पूरी ज़मीन पाक साफ हो जाएगी और वो इंतहाई बरकत वाला ज़माना होगा अहदीस के मुताबिक, और ज़मीन तमाम अपना गल्ला और अनाज खजाने उगल देगी और मुसलमान उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। अब ये हदीस मुस्तनद हदीस है। अब जो उलमा का तबका, मुफस्सर हजरात का तबका ये यकीन रखता है कि ये हदीस पूरी हो चुकी है,
अब वो कहते हैं कि इस हदीस का ताल्लुक इन यहूदी और ये अशकनाजी यहूदी जो है इनसे है, क्योंकि ये फुरद अंबिया में आया कि जब अल्लाह ताला के आखिरी वादा करीब आएगा तो अल्लाह ताला इनको वापस उसी जगह कब्जा वहीं उसी जगह जमा करेगा जहाँ से निकाले गए थे। अब ऐसी कौम पूरी दुनिया के अंदर देखी जाए तो सिर्फ एक ही है, वो यहूदी हैं जो इसराइल में आके उन्होंने अपना मुल्क बना लिया और वहाँ पर जमा हो रहे हैं जहाँ से हज़ारों साल पहले निकाले गए थे। अब वो कहते हैं जो हदीस के अंदर इशारे आए हैं कि अच्छा, एक हदीस के अंदर आया कि दुनिया में फसाद डालते हैं, मईशत दुनिया की ख़राब कर देंगे, माशी तौर पे दुनिया को तबाह कर देंगे। अब वो जितने उलमा मुफस्सिर हज़रात इस बात पे यकीन रखते हैं वो कहते हैं कि हदीस के अंदर जो इशारे हैं कि बुलंदियों से हमलावर होंगे। अच्छा, बुलंदियों से हमलावर होंगे मतलब उनका ये है कि ये मतलब निकालते हैं कि सेटेलाइट सारा निज़ाम जो आपका इंटरनेट का निज़ाम है, मौसमियाती जासूसी, ये सेटेलाइट के ज़रिए आपकी फ़ोन कॉल है जो यहाँ से बैठ के आप अमेरिका से बात कर सकते हो, ये पूरा जो निज़ाम चल रहा है ये सेटेलाइट्स की वजह से चल रहा है, क्योंकि हमारी सेटेलाइट्स हैं वो रब्ता करवाती हैं, इंटरनेट है आपका, उसके लिए सेटेलाइट ज़रूरी है। सारा जो सिस्टम चल रहा है, अगर आज ये सिस्टम बंद हो जाए, आपकी फ़ोन कॉल बंद हो जाएंगी, आपके नेट बंद हो जाएगा, आप वापस 100 साल पीछे की दुनिया में चले जाएंगे। और ऑनलाइन जो आप डाटा इंटर करते हैं, बैंकों में खाते बनते हैं, जो भी रकम ट्रांसफ़र होती है, सारा कुछ वापस कागज़ पेंसिल पर आ जाएगा, वो सारा रिकॉर्ड फिर आपको रजिस्टरों पर लिखना पड़ेगा। यानी ये हिसाब किताब है। फिर फहाशी, उरानियत, फैशन इंडस्ट्री, हॉलीवुड, ये सारा जो है ये पूरी दुनिया के अंदर इस इतना फैल चुका है। तो इसका मेन सोर्स क्या है? सेटेलाइट्स। तो यानी वो सेटेलाइट से हमला आवर हुए पूरी दुनिया पे, चाहे मईशत पूरी उनके कंट्रोल में है। आप जितनी बड़ी कंपनीज उठा के देख लें, आप IMF के इदारे देख लें, आप अमेरिका देख लें, जितने बड़े इदारे हैं सब उनके कंट्रोल में, और उनसे बाहर निकल के कुछ काम करने की रूस और चाइना को भी अभी तक हिम्मत नहीं हो सकी कि हम उनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो ये डॉलर का सिस्टम है, इससे बाहर निकल सके, नहीं निकल सकते, उन्होंने ऐसा कब्जा जमाया हुआ है। और फिर जो कहते हैं कि जो हदीस के अंदर आता है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेंगे, माशी तौर पर फसाद डालेंगे और जुल्म और सितम करेंगे, उन्होंने किया पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, इराक, वियतनाम, अफगानिस्तान, शाम, बेताशा उन्होंने खूनरेजी की है। तो हदीस के अंदर वो कहते हैं जो खून इंसानों को खून ख़त्म करेंगे, फसाद डालेंगे, वो भी उनकी शर्त पूरी हो चुकी है। तो ये उलमा ये कहते हैं कि ये कौम वही है जिसका इशारा हमें हदीस के अंदर में, और यही याजूज माजूज है। अब लेकिन अच्छा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे। यहाँ पे मैं वो चंद पॉइंट्स बयान करना चाहूँगा जिसके ऊपर तमाम के तमाम उलमा मुत्तफिक हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस अलैहिस्सलाम। अगर साम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, वो हैं जितने भी मशरक़ वस्ता है, सऊदी अरब, पाकिस्तान, बर सगीर, इंडिया, ये जो सारे इलाके हैं जो गंदमी कलर के लोग हैं, इनको कहा जाता है कि हज़रत साम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत, और हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की औलाद में से पूरा अफ्रीका आपका आ जाता है, जो हम हबशी जिन्हें कहा जाता है, जो स्याह रंग के होते हैं, उनको कहा जाता है कि हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की औलाद है। बाकी जितना ये सारे हैं, जो यूरोपियन कंट्री, चीन हो गया, मंगोल हो गया, अपना मुगलिया ख़ानदान हो गया, ये आपको अगर रूस की तरफ चले जाएं आगे ऊपर जितना यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, आप अमेरिका, इन सबको कहा जाता है कि ये याफ़स अलैहिस्सलाम की औलाद में से। ये बात सब मानते हैं कि याजूज माजूज के बारे में ये एक बात कन्फर्म है कि हज़रत याफ़स अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे। नंबर इस पर सब मुत्तफिक हैं। नंबर 2 बात कि जो इलाका बताया जाता है तमाम हदीस के अंदर, तौरात के अंदर, इंजील के अंदर, जो इलाका बताया गया याजूज माजूज के रहने का, वो शुमाली हिस्सा जो है, यानी चाइना का ऊपर वाला हिस्सा, रूस, हमालिया, ये सारी पट्टी चल रही है एंड तक, ये शुमाल का जितना भी हिस्सा है, ये कहा जाता है कि ये यही जगह उनके लिए, इस पर भी सब मुत्तफिक हैं कि याजूज माजूज शुमाल से आएंगे। लेकिन अब अगर हदीस के अंदर देखें, उलमा का एक तबका कहता है कि बेशक हदीस के अंदर इशारे मिलते हैं, वाज़ह चीज़ नज़र सामने नहीं आती, लेकिन हम नहीं समझते कि याजूज माजूज निकल चुके हैं। इसके पीछे वो वजह ये बयान करते हैं कि हदीस के अंदर वाज़ह इशारा है, याजूज माजूज कब आएंगे, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला चुके होंगे, हमारे दरमियान मौजूद होंगे, उस वक्त याजूज माजूज निकलेंगे, ये हदीस के अंदर वाज़ह है।
फिर वो कहते हैं दीवार तोड़ के निकलेंगे, दीवार गिरा के। अभी तक कोई ऐसी दीवार हमें नजर नहीं आई जिसको जो गिर चुकी हो और उसके पीछे से कोई कौम आई हो। दीवारें चीन, इसके अलावा दीवारें कफकाज है, और एक दीवार यमन में है, उसके बारे में मुख्तलिफ लोग दावा करते हैं ये वही दीवार है, लेकिन हकीकी तौर पर ऐसी कोई दीवार हमें सामने नहीं आती। जावेद गामदी साहब वो कहते हैं कि जो दीवारें बर्लिन थी जर्मनी के अंदर जो गिरी थी वही दीवार थी जिसके बाद रूस और अमेरिका एक हो गए, के दरमियान चक्र शुरू हुई थी और उसके बाद काम आगे बढ़ा था। तो यारे लेकिन उलमा ये कहते हैं कि हदीस के अंदर वाज़ह इशारा है कि उनसे लड़ने की ताकत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नहीं होगी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उनको हुक्म देंगे। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं, हदीस के अल्फाज हैं कि आप मेरे बंदों को लेके कोहे तूर पे चले जाएं, क्योंकि वो कौम आ रही है जिससे लड़ने की ताकत किसी को भी नहीं। तो ऐसी कौम फिलहाल कोई आई नहीं है कि जिससे लड़ने की ताकत किसी को भी नहीं है। और तीसरे और मेन चीज़ ये है कि बुनियादी पॉइंट ये है कि ना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आए हैं ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, तो अभी तक इसलिए याजूज माजूज की कौम नहीं आई। वो आएंगे, जो ये यकीन रखते हैं वो निकल आए हैं, उनका भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। जो समझते हैं नहीं आए उनका भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि इसके पीछे क्या हकीकत है, क्योंकि बाज़ औक़ात अहादीस के अंदर ऐसे इशारे होते हैं जिनको समझते समझते वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं। तो यहाँ तक इस बात को ख़त्म करते हैं, और आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं कि आप क्या समझते हैं, आप किस मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं कि वाकई निकल चुके हैं या अभी आएंगे। ये बात कन्फर्म है वो किसी और कोई और मखलूक नहीं होगी, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही हैं। अब जो इख्तलाफ आता है वो यहाँ पे आता है, कुछ तबका यकीन रखता है कि वो निकल चुके हैं, जो यूरोपियन अवाम है, यूरोपियन जो नस्ल है वो सारी जितनी भी है वो याजूज माजूज की नस्ल है, वो याजूज माजूज इन्हें ही कहा गया था। फहाशी की तरफ देख लें जिसका हदीस गर्व इशारा है, फसाद की तरफ देख लें, कत्ल वगारत की तरफ देख लें, बुलंदी से हमलावर होने को देख लें, शुमाल को देख लें, सारा शुमाल भी बनता है, ये जुल्म सितम भी इन्होंने किया, कत्ल वगारत भी किए, सैटेलाइट और जितना भी इनकी फैशन इंडस्ट्री है, उरानियत है, पोल इंडस्ट्री है, सबसे हमलावर होके कौमों को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया, यानी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे चल के लेके चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो तबके हैं जो कहते हैं कि ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी आए हैं, ना हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अभी आए हैं, तो इसलिए ये कौम अभी आएगी, इसको मौजूदा किसी कौम के साथ हम तशबीह नहीं दे सकते। आप पे छोड़े, आप क्या समझते हैं, अपनी राय से हमें कमेंट्स के अंदर आगाह करें और बताएं कि आप क्या सोचते हैं। फिलहाल इसके मुतल्लिक जितना मवाद था उसका मुख्तसर सा खुलासा मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दिया।